दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है रेलवे भर्ती ग्रुप डी का, यानी कि 20/9/2018 में सेकंड शिफ्ट में। उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का वीडियो मैंने अपलोड किया था आज ही की डेट में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में एक असामाजिक तत्व ने कमेंट्स किया था, और वो कमेंट्स इतना गंदा था पूछो मत। मैं उस असामाजिक तत्व को इतना बोलूँगा कि गाली देनी है तो अपनी माँ और बहन को दो, मैं तेरा दिया नहीं खाता हूँ जो गाली सुनूँ। मैं उस असामाजिक तत्व को इतना बताना चाहता हूँ कि जोन एक नहीं है, जो एक जैसा सेम पेपर होगा, हर जोन का पेपर अलग अलग हो रहा है, और हर जोन का जो पेपर होगा वो अलग अलग होता ही है। तो जाहिर सी बात है जब पेपर अलग अलग हो रहा है हर जोन का, तो क्वेश्चन भी अलग अलग ही होंगे, ना कि सेम होंगे। मैं उस गधे को इतना बताना चाहता हूँ, बस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो दोस्तों 2005 का जो कैलेंडर ये होगा, ये 2011 में रिपीट होगा। कब होगा? 2011 में रिपीट होगा 2005 का कैलेंडर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो अन्य नाम होता है वो होता है अर्थसाइट। क्या होता है? अर्थसाइट। आरबीसी का जो अन्य नाम होता है वो होता है अर्थोसाइट। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो दोस्तों बैक्टीरियोफेज जो होता है वो होता है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला वायरस। क्या होता है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला वायरस। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो होता है जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो दोस्तों बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन रिलीज होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो डीएनए होता है ये पाया जाता है केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? यानी कि हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है वो हमारे शरीर में उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस का जो कार्य होता है हमारे शरीर में वो होता है भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए। क्या कार्य होता है? भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस का कार्य होता है हमारे शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण की वजह से हमारे कान हिलते हैं? किस कारण की वजह से हमारे कान हिलते हैं? तो दोस्तों कार्टिलेज की वजह से हमारे कान हिलते हैं। किसकी वजह से कान हिलते हैं मेरे? कार्टिलेज की वजह से कान हिलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? तो दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930 को।
अगला क्वेश्चन है कि यूएई की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों यूएई की मुद्रा है अबू धाबी। क्या है मुद्रा यूएई की? अबू धाबी। ये या आपको याद रखना है। मुद्रा से भी एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो मुद्रा जो भी जिस देश की जो मुद्रा है वो याद कर लीजिए कि इस देश की ये मुद्रा है, ये इस देश की ये मुद्रा है। तो मुद्रा से एक से दो क्वेश्चन हर हाल में ही हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यूएई की जो मुद्रा होगी वो होगी अबू धाबी। यूएई को क्या बोलते हैं? तो यूएई को बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में होगा? तो दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा राज्य में होगा। कहां पर होगा? उड़ीसा राज्य में होगा। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा राज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमती डैम कहां पर है? तो दोस्तों अलमती डैम कृष्णा नदी कर्नाटक पर है। कहां पर है अलमती डैम? कृष्णा नदी कर्नाटक पर। अलमती डैम जो है वो है कृष्णा नदी कर्नाटक पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे ये लिखी है सचिन तेंदुलकर ने। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक कहां पर जड़ा था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। सेकंड सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। ये बुक्स संबंधित क्वेश्चन है। आज ही मैंने बुक्स से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आज ही मैंने अपलोड किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड फिल्म के डायरेक्टर कौन है? गोल्ड फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों गोल्ड फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है रीमा। कौन है? रीमा। गोल्ड फिल्म के डायरेक्टर हैं रीमा। ये भी क्वेश्चन पूरा होता है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों गुलाम वंश की जो शुरुआत जो की थी ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। कौन है जीएसटी के वर्तमान एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। या आपको याद रखना है कि जीएसटी के वर्तमान जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। ये क्वेश्चन पूरा होता है आपका। तो दोस्तों ये थे सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।